मुझे कोई नहीं देता, सब बच्चों की बुराई लेते रहो तब तो पढ़ा बन गया मास्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल थ्री पे आते हैं, वही करा रहे थे ना, एग्जाम्पल टू पे थे, ठीक है ओके। देखिए आगे फिर से इसी में पैरेललोग्राम में, देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करा रहे हैं अभी, स्लाइड नंबर आप 50 पे आ जाएंगे। फोर ट्राइंगल एबीसी, ये जो एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया कि पी ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। देखो बेटा पी ए सी जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, ए के ऊपर बन रहा है, ठीक है। सो एंगल पी ए सी बराबर होगा ए बी सी प्लस बी सी ए के, बी सी ए के मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो पॉइंट ए पर ऊपर देखना, ट्रायंगल के ऊपर जो ए है ना, जो बाहर एंगल बन रहा है पीएसी दिखा आपको, वो एक्सटीरियर है मतलब बाहर वाला है। और क्या हमारा थ्योरम कहता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम का। तो पॉइंट बी पे और सी पे जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम बराबर होगा ए पे बनने वाले एंगल के जो बाहर बन रहा है। समझ में आया आप लोगों को, एक्सटीरियर थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अंदर वाले जो दो एंगल बन रहे हैं बी और सी पे अंदर बन रहा है ना, और वो ए के अपोजिट है, तो अपोजिट होन भी है और अंदर भी इंटीरियर भी है, तो ए माने जो अपोजिट होता है और इंटीरियर होता है हाँ, उसका सम उन दोनों का सम बाहर वाले एक्सटीरियर के बराबर होगा। सर ये एंगल सी और बी इसलिए एक बार है क्योंकि ए के अपोजिट है, ए के अपोजिट है वो, ए पी ए सी देख रहे हैं आप, तो पी ए सी ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना हमारा एक्सटीरियर एंगल है मतलब बाहर एंगल है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है वो। तो जब भी कोई बाहरी एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो उसके सामने वाले जो अपोजिट साइड दिख रहे हैं ना आपको बी और सी, उसके इंटीरियर के एंगल्स के सम के बराबर होगा। बी पे जो एंगल बन रहा है चाहे सी पे जो एंगल बन रहा है, दोनों के एंगल को जब जोड़ देंगे, मान लो कि 90 बन रहा है, तो अगर ये दोनों जोड़ के 90 बन रहा है तो ऊपर वाला जो बाहर वाला है वो भी 90 ही होगा। समझ में आई बात आपको दीपक, क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या? यस सर। हाँ तो ये बोलो ना यार, सीधे सीधे बोलो ना, क्यों दही जमा रहे हो। चलो तो एंगल पीएसी, अब ये क्लियर हो गया कि पीएसी बराबर होगा बीसीए और बीसीए प्लस बीसीए, पता नहीं क्या लिख दिया यार, एंगल पी ए सी बराबर होगा ए बी सी ए और बी सॉरी ए बी सी के, ये नहीं 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 वैल्यू सेम है, बी सी ए दो बार बी सी ए लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, दो बार बी सी ए लिखा है। PAC किसके बराबर होगा, BC एंगल A B सॉरी BCA के बराबर होगा, एंगल ABC और BCA के वैल्यू थी ना सेम, तो इसलिए इन्होंने एक के नाम एक ही जगह लिख दिया, ठीक है ठीक है, ABC बराबर BCA, ठीक है वही तो लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर देखो ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा है कि एंगल PAC बराबर होगा किसके, BCA प्लस BCA दो बार लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि BCA सी पर जितना एंगल बनेगा सेम मतलब कि सेम साइड पर बी पे भी उतना ही एंगल बनेगा, इसीलिए बीसीए को ही दो बार लिख दिया है। तो 2 × BCA कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बेटा ए बी सी पे जो एंगल बनेगा वो बीसीए पर भी तो वही एंगल बनेगा ना, इसलिए अगर हम बीसीए को ही डबल कर दें। अब मैं आपको और अच्छे समझा दूं, मतलब देसी तरीके से इस फिगर को केवल देखिए,
सी पर मान लो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके साइड में इसके जस्ट सामने इसी लाइन पर बी पे एंगल क्या बनेगा, 40 का ही बनेगा। हेलो, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूं कि सी पर जितना मान लो कि 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी पर भी 40 बनेगा, तो हम 40 प्लस 40 की जगह क्यों ना 40 गुना 2 लिख दें, बात तो एक ही होगा ना। इसीलिए BCA BCA दो बार लिख करके 2 into BCA कर दिया है। चलो, तो PAC क्या हो जाएगा, PAC हम ये कर सकते हैं, अगर हाफ PAC बराबर एंगल BCA, BCA का डबल, BCA का डबल PAC के बराबर था, ठीक है, तो BCA एक केवल BCA हो तो PAC कितना हो जाएगा, PAC को हाफ करेंगे तभी तो उसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, PAC मान लो कि 80 डिग्री था, सुन रहे हो, और यहां पर 2 into BCA मतलब कि 40 BCA और 40 BCA, ठीक है, 40 डिग्री और 40 डिग्री, तब तो बराबर था। हमने क्या किया कि यहां 40 इसका गायब कर दिया, BCA का केवल इधर 40 है और PAC 80 था, तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ करेंगे तभी तो उधर भी 40 हो जाएगा, इधर भी 40 हो जाएगा, इसलिए हाफ इंटू PAC कर दिए। क्लियर हुआ? बोले बड़ा तेज लेट में रिस्पॉन्स है यार, तुम तो खाना खाने के क्या कहते हैं एक साल बाद कहोगे हाँ भोजन बहुत टेस्टी था, तब तक तो बनाने वाला मर भी जाए। चलो, एंगल BCA बराबर होगा एंगल PAC के, वही चीज पलट दिया गया है, तो एंगल BCA बराबर है एंगल DAC, देखेंगे DAC का है, DAC ये जो है येलो वाला, हाँ बिल्कुल DAC। अब ये कह रहा है कि BCA बराबर होगा DAC के, क्योंकि DAC क्या है, ये हाफ PCA है। DAC तो एंगल कहां बन रहा है, ए पर बन रहा है ना, और इंटीरियर है ये अंदर वाला, एक सेकंड, BCA बराबर है DAC के, नहीं गिवन नहीं है, कहां है गिवन था क्या ये, हाँ हाँ गिवन था, ये प्रूव करना है हमको, DAC BCA के बराबर है, ये प्रूव करना है। हाँ तो बेटा DAC क्या होगा, हाफ PAC होगा, ये हैंस प्रूव्ड हुआ हो गया। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप स्क्रीन पे करते हो, जिससे पढ़ा रहे हो, मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं जिस स्लाइड पे हूं ना, जब सारा स्लाइड एक बार बोर्ड पे लिखा जाता है ना, तो पूरा दिमाग चलता है, मैं इस बात को फॉलो करता हूं, लेकिन केवल फॉलो करता हूं, मतलब समझ रहे हो, इतने चार्टा में भट्टे की खड़ा करवाओगे, ऐसे ही समझ लो, फिर ना समझ में आए तो कोई बात ना, फिर कर देंगे। स्लीपिंग बैग से भी कुछ नहीं हो रहा यार, इतने चार्टा लग रहा है आज। अच्छा यहाँ पर ज्यादा चार्टा लग रहा है, वहां इंस्टीट्यूट में लगता था, सेम ही है ना, तो 6000 किराया छोड़ दे, फिर निकाल दे कुर्सी सारी, एक्चुअली क्या है ना कि सारे बालक नहीं आ पाएंगे ना यहाँ पे हमेशा, देखते हैं 9-10 बच्चे तो आ ही जाएंगे, अरे वो 15-20 नहीं नहीं यहाँ पर 9-10 बच्चे की कोई दिक्कत नहीं, चाहे 50 बच्चे आ जाए, हमें कोई टेंशन थोड़ी, वो रहा पूरा सेट, जैसे अभी बुलाते वैसे बुला लेना क्लास वाइज, क्लास वाइज तो वहां पर भी इसी तरह बुलाते हैं। ABC इज अ एग्जांपल 3, ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ये करा दिया मैंने क्या? Yes, sir. तो फिर क्यों करा रहे, पागल हो गए हम क्या? नहीं नहीं अलग क्वेश्चन है, ABC छोटा क्वेश्चन भी है इसीलिए हम मान गए, नहीं तो हम कहीं देते करा दिए। ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच AB बराबर है AC के और AD बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल है AB के, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है ABC, आप बताओ जो कंडीशन दी हुई है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है,
प्रीवियस पार्ट हमने प्रूव कर दिया था डीएसी बीसीए के पैरेलल है, डीएसी बीएससी बीसीए के बराबर है, डीएसी बीसीए के बराबर हमने प्रूव कर दिया था फॉर लाइंस बीसी एडीवी ट्रांसवर्सल एसी। एडी जो है वो ट्रांसवर्सल है किसके लिए, बीसी के लिए और एसी के लिए, दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंगल डीएसी बराबर है बीसीए के और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। बी ए सी, ठीक है, और बीसीए, बीसीए ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ए पे और सी पे अल्टरनेट एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। सो बीसी बराबर होगा एडी के, बीसी बराबर है एडी के, सॉरी पैरेलल है यार, क्या बोलता हूं, बीसी पैरेलल है एडी के। नाउ इन एबीसीडी बीसी बराबर है एडी के और एबी बराबर है सीडी के, दोनों अपोजिट साइड्स के हैं, पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ पैरेललोग्राम। चलिए 8.1 का 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नहीं नहीं मैं इसमें जो क्वेश्चन है ना टाइप वाइज क्वेश्चन है नोट्स में, आप जैसे सॉल्यूशन पूरा लोगे ना तो सॉल्यूशन जो मैं भेज दूंगा उसमें आपको लाइन वाइज मिलेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये बेसिक नोट्स है। एग्जाम्पल जैसे बुक के पीछे एग्जाम्पल हो गए, जो अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें से ले लेकर के उसको क्रिएट किया गया। देखेंगे ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular. ठीक है, फिर से देखेंगे, ABCD parallelogram है, AP देख रहे हैं, AP और CQ, CQ ये दोनों क्या है, perpendicular है from vertex, vertices A and C, A से ये perpendicular बनाया गया है और ये C से नीचे की ओर लाया गया है Q तक, तो ये दो vertices से ये perpendicular line बनाई गई है, ठीक है। On diagonal BD, और ये कहां पर की गई है, BD diagonal पे की गई है, तो सो हमें ये करना है कि APB, ठीक है, APB congruent है CQD के, ठीक है। इतना छोटा है ना कि आप देख के खुश हो जाएंगे, ABCD is a parallelogram with AP is perpendicular on BD, AP perpendicular है BD के और CQ perpendicular है BD के, to prove APB is congruent to CQD, हमारे पास प्रूफ है AB DC के बराबर है क्योंकि opposite sides of parallelogram are parallel and transversal BD, angle APB और CDQ alternate angle से जो कि equal है, हो गया काम करते नहीं, अभी काम करते तो नहीं हुआ होगा, आगे चलते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दो चीज हमें मिल गई, ठीक है, पहली नहीं सॉरी पहला मिल गया अल्टरनेट एंगल सर इक्वल, दूसरा देखते हैं ट्रायंगल एपीबी और सीक्यूडी, एपीबी और सीक्यूडी बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, देख रहे हैं दोनों में एक 90 डिग्री एंगल है, पीपी और क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन होगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चल गया था कि एंगल एपीबी सीडीक्यू के बराबर है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दो चीज मिल गया, एक तो 90 डिग्री एंगल मिल गया सेम सेम और एक मिल गया अल्टरनेट एंगल हमारा, दूसरा एबीसीडी के बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल इक्वल, सो हमारा एएएस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, एक तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री वाला और दूसरा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ही था ना, हाँ अल्टरनेट एंगल सर इक्वल और तीसरा हमारा साइड बराबर हो गया, तो एएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर है। ये दोबारा एक बार स्लाइड आ गया है, आप लोग मतलब कि हमें क्षमा करेंगे उसके लिए, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा नहीं क्षमा मत करिएगा, क्षमा मांग भी नहीं रहते। एपीसीडी जे वही सेम क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, एपी सीक्यू के बराबर बता दो, आपके जो एपी है वो सीक्यू के बराबर बताना है, तो हमें पता है कि हमने प्रूव्ड कर दिया था ये जो दो ब्लू और ग्रीन कलर के ट्रायंगल दिख रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इस हिसाब से
हमारा सीपीसीटी रूल लगाएंगे तो एपी सीक्यू के बराबर हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, हेंस प्रूव्ड वन। अभी मत कहिएगा कि आप लोग को निंदी आ रही है। 8.1 का सेकंड क्वेश्चन 56 में है। हाँ बोलो ना। अच्छा जी, ये बड़े वाले गेट से आ जाओ भाई साहब।